अस्सलामुअलैकुम, आगे से मैं निदा शकीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेविस पाकिस्तान के एमडी शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, आपका वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ट्रेविस इंटरनेशनल की प्रोफाइल क्या है और ये कब से काम कर रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपका मैं आपको बताता हूँ डिटेल। ट्रेवलिस एक यूके बेस्ड कंपनी है। हम यूके के अंदर पिछले 15 साल से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे 18 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने डिलीवर किए हैं टाइम के ऊपर और एग्रीड क्वालिटी के ऊपर डिलीवर किए हैं। हमने वहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन बनाई हैं, होटल्स बनाए हैं, अपार्टमेंट्स बनाए हैं और उनको जो यूके की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनके एग्रीड स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिलीवर किया है, टाइम के ऊपर डिलीवर किया है। वो सारे प्रोजेक्ट्स, उनकी डिटेल हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है। वो सारे प्रोजेक्ट इस वक्त लाइव हैं और लोगों में रह रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं और हमारे रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को देख के लोग और प्रोजेक्ट्स हमारे जो भी नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर भी आ रहे हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में आके हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जो पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है, उसके अंदर हम एक ब्लॉक डेवलप कर रहे हैं और एक गेटेड कम्युनिटी वहाँ पे बना रहे हैं। ट्रेवलिस इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कैपिटल स्मार्ट सिटी का ही क्यों इंतखाब किया? जी, पाकिस्तान में जब हमने सोचा था कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे, मेन उसका मकसद पाकिस्तान आने का ये था कि जिन जो लिविंग का जो कंफर्ट है, जो कि स्पेशली एक्सपैट्स यूरोप में और यूके में, अमेरिका में जो लिविंग कंफर्ट एंजॉय करते हैं, जो कि नॉर्मल है वहाँ पे, तमाम जितने घर बन रहे हैं, जितनी उनकी कम्युनिटीज़ बन रही हैं, उनके अंदर जो लिविंग कंफर्ट है उसकी आदत हो जाती है उनको और अच्छे तरीके से रहने को वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पे वहाँ पर रहते हुए भी हमें ये एहसास होता था कि यही कंफर्ट अपने मुल्क में अवेलेबल होना चाहिए। हमें कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती थी यहाँ पे जहाँ पे लोगों ने इंडिविजुअल अच्छे घर तो ज़रूर बनाए हुए हैं लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है उस तरह से। तो हमने सोचा कि हम पायनियर बनते हैं, हम आते हैं यहाँ पर और आके हम एक कम्युनिटी डिवेलप करते हैं जिसके अंदर कम्युनिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लोग एंजॉय कर सकें और उस कंफर्ट को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे आके हमने डिफरेंट डेवलपर्स को देखा और जब हबीब रफीक का प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसको हमने देखा एंड वी डिसाइडेड कि यस, दिस इज़ दी प्रोजेक्ट जो कि हमें सूट करता है। क्योंकि वो इसमें दो तीन फैक्टर थे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है तो ऑब्वियसली दैट इज़ दी फर्स्ट चॉइस। बाहर से कोई भी जो आएगा उसके लिए जो स्मार्ट सिटी है दैट इज़ दी फर्स्ट चॉइस, क्योंकि हम तो फोकस ही कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो जब कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ बेस्ट यूटिलाइज उस वक्त होंगी जब सिटी भी एक फैसिलिटेट कर रहा हो आपको। दूसरा, हबीब रफीक का अपना नाम है जिन्होंने 35 साल से इस मुल्क में डिफरेंट जगहों के ऊपर बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स की हैं, इसकी वजह से हमने एफएच को लेक बुलेवार्ड कम्युनिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी में किस तरीके से स्मार्ट कम्युनिटी कहलाई जाएगी? जो स्मार्ट सिटी है इटसेल्फ उसकी अपनी बहुत वैल्यू है उसकी अपनी फैसिलिटीज की वजह से। और हम समझते हैं कि जो लेक बुलेवार्ड कम्युनिटी हम उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं ये उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेगी, क्योंकि जो फैसिलिटीज हम इस एक कम्युनिटी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जो हमने लगा है उसको इंशाल्लाह उसके अंदर क्रिएट करेंगे, वो एक हम उसमें पायनियर होंगे और उसको देख के उसकी उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ और स्मार्ट सिटी से बाहर भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अंदर वो चीज़ें राइज होंगी। उसमें जो सबसे जो बड़ी फैसिलिटी है वो तो उसकी सिक्योरिटी है। पूरा स्मार्ट सिटी इटसेल्फ एक सिक्योर्ड जगह है और उसके अंदर लेक बुलेवार्ड इज़ अ गेटेड कम्युनिटी। उसके अंदर हमारी फिजिकल सिक्योरिटी भी है और जो
फेस रिकग्निशन कैमरेज और जो हमारे नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं वो हम वहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके जरिए सिर्फ जो ऑथराइज लोग हैं, जो उसके रेजिडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज और जो उनके ऑथराइज गेस्ट हैं, सिर्फ वो लोग हैं जो कि उसके अंदर एंटर हो सकेंगे। और उसके अंदर भी कहीं पे कोई किसी और तरफ से कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता, और अगर कोई होता भी है तो फौरी तौर पे कैमरे के जरिए उसको रिकग्नाइज करके उसको हम कैच कर सकते हैं। सो इट्स अ सिक्योर्ड कम्युनिटी, और इसकी इसकी सिक्योरनेस की वजह से हमने इसका डिज़ाइन भी इस तरह से किया है कि दीज आर ओपन हाउसेज, ओपन कम्युनिटी है ये। इसमें जो इसके अंदर घर है उनमें बाउंड्री वॉल नहीं है, हम इसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी है एक चीज, दूसरा उसके जो ओपन एरियाज हैं उनमें उनकी मेंटेनेंस है, उसके अंदर सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसके तमाम एरियाज वाईफाई लिट हैं, उसके तमाम कॉमन एरियाज में फ्री वाईफाई है, और उसके अलावा इस कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी फैसिलिटीज के साथ जो घरों की फैसिलिटी है, घरों में भी हम जो यूरोपियन ए प्लस कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तमाम घर, इसमें टोटल चार तरह के घर हैं, पांच मरले के दो तरह के घर हैं और 10 मरले के दो डिज़ाइन हैं, टोटल चार डिज़ाइन हैं, टोटल पूरे 319 हाउसेस हम बना रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। उन सब का टोटल चार डिज़ाइन है जो कि एक ही लाइन में एक ही तरह के घर सारे एक ही कम्युनिटी होगी। उन घरों के ऊपर हम 10 ईयर्स की बिल्ट वारंटी दे रहे हैं, 10 साल तक उस घर की जो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। 10 ईयर्स जी, फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि हम यूके में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके ऊपर भी हम 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। सो वी आर ब्रिंगिंग द सेम थिंग हियर, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो घर एक मजबूत अच्छा घर बने, उसके ऊपर हम 10 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। उसको बनने के बाद भी हम अबंडन नहीं कर रहे, हम हैंड ओवर करने के बाद भी उस पूरी कम्युनिटी को हम ही मैनेज करेंगे, उस जी उसकी मेंटेनेंस, उसकी सर्विसेज, वो सारी की सारी हम ही उसको मैनेज करेंगे। 10 ईयर्स की हम बिल्ट वारंटी दे रहे हैं उसके ऊपर। और ये तमाम घर इनको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये जलजला प्रूफ घर है, अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेज हैं ये सारे। इनको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि किसी भी किस्म के जलजले की सूरत में ये बिल्कुल सेफ घर है। ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स बताए हैं, दिल तो जा रहा है कि एक स्मार्ट होम मैं अभी अभी आपसे इस इंटरव्यू के बाद आपसे बुक करा लूं। एनीहाउ, ये आपने बताया है कि आपकी जो आप फैसिलिटीज और एक मेंटेनेंस दे रहे हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट है, बेसिकली आप थोड़ा सा ये बताएं कि फीचर्स क्या है स्मार्ट होम्स के। जी, एक आम घर के आम विला और एक स्मार्ट होम के जो फीचर्स हैं उसमें कैसे क्या डिफरेंशिएट है। जी, हमारी कम्युनिटी के अंदर हम जो ट्रिपलेस स्मार्ट होम्स बना रहे हैं ये ए प्लस कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड होम्स हैं। स्टैंडर्ड होम वैसा ही है जैसा कि विद ऑल दीज फीचर्स, विद बेड वारंटी एंड जो अर्थक्वेक प्रूफ है उस सब चीज़ों के साथ वैसा ही एक घर है जो कि यहाँ पे एक अच्छा घर बनता है पाकिस्तान में। उसके साथ उसमें अपग्रेड ऑप्शंस हम रख रहे हैं, क्योंकि जो फिर जो फैसिलिटीज आप चूज करना चाहें उसके अंदर आप उनको एड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह से उसके अंदर एसी डक्टिंग कर रहे हैं, जो उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम सारी एसी डक्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर स्मार्ट फीचर्स दे रहे हैं, होम ऑटोमेशन के फीचर्स दे रहे हैं, उसकी लाइटिंग कंट्रोल, उसकी एंट्री कंट्रोल, उसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग जो है वो अपने फोन, आपका पूरा घर यानी आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं इन तमाम स्मार्ट फीचर्स के साथ। दीज आर ऑप्शनल फीचर्स, अगर आप चाहें तो एड ऑन के तौर पर इनको ले सकते हैं, जो रेजिडेंट्स होंगे उसको अपग्रेड कर सकते हैं इस ऑप्शन में। आपका पूरा घर आपके मोबाइल फोन से कंट्रोल होता है, आपकी एंट्री कंट्रोल, सीसीटीवी, आप उसके अंदर डिफरेंट जगहों पे सेंसर्स लगते हैं, हीट सेंसर्स लगते हैं, आपके अप्लायंसेस जो अंदर होते हैं वो आप अपने फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं,
आप घर से बाहर हैं और घर पहुंच रहे हैं, आप रास्ते में से अपने घर पे एसी ऑन कर सकते हैं ताकि बाय द टाइम आप घर में एंटर हो तो आपका घर ठंडा हो, या आप उसको हीट अप करना चाहते हैं तो आप उसको रिवर्सेबल एसी लगा रहे हैं वहाँ पे। फिर आपकी लाइटिंग कंट्रोल है, आप अपनी लाइट्स अपने फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप घर के अंदर हों या घर से बाहर हों, आप अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उसके ज़रिए। इस तरह से किचन के अप्लाइंसेस हैं, इन तमाम घरों के अंदर हम फिटेड किचन लगा रहे हैं, और जो इसमें हमारी एक एक्सक्लूसिव ऑप्शन है उसके अंदर स्मार्ट फीचर्स भी हैं, उसके अंदर एसीज भी हैं, उसके अंदर फिटेड किचन है, उसमें वार्डरोब्स हैं, उसमें पूरा घर आपका रेडी टू मूव इन घर है, जो एक्सक्लूसिव ऑप्शन है इसी में। दीज आर ऑल अपग्रेड ऑप्शंस। बेसिक घर जो है वो स्टैंडर्ड है, और उसके बाद कोई भी उसको जो अपग्रेड करता है वो उसमें कर सकता है। हम अपने शो हाउसेस भी बना रहे हैं, सबसे पहले हम अपने शो हाउसेस बना रहे हैं साइट पे। हमारी साइट पे इस वक्त बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो चुका है और हो रहा है उसके साथ, और हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन भी अभी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम शो हाउसेस बना रहे हैं, और शो हाउसेस को हम एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड का बना रहे हैं। लोग जो भी स्टैंडर्ड हाउस खरीद रहे हैं दे विल हैव एन ऑप्शन कि हमारा शो हाउस को देखें, उसके बाद उसमें से जो फीचर उनको पसंद आते हैं वो अपग्रेड कर लें अपने स्टैंडर्ड होम को। तो ये जो ऑप्शनल फीचर्स हैं जो कि हम ऐड ऑन कर सकते हैं, वो क्या एक्स्ट्रा, कितना एक परसेंट एक्स्ट्रा उसका आम प्राइस से? इट्स नॉट मच, वो ऐसे ही है कि जितने फीचर्स आप चूज करते जाते हैं। मेरे बेसिकली तीन पैकेजेस हैं, क्लासिक, प्रीमियम और एक्सक्लूसिव। तो उसमें से जो पैकेज चूज कर लें उसका, उसके साथ आप एडिशनल जो है वो दे सकते हैं। ये आम घरों से मुख्तलिफ है जी, बिल्कुल। हमारी आवाम, हम लोग इतने ज्यादा इस चीज के यूज टू नहीं है, तो क्या आप लोग एक इसको ट्रेनिंग भी देंगे इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए? जी बिल्कुल। हम मैंने आपको बताया ना कि हम इस पूरी कम्युनिटी को हम खुद मैनेज कर रहे होंगे इसमें। इवन वहाँ पे हमारे पास जो मैनेजमेंट कंपनी होगी उसमें प्लम्बर्स होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, बाली होंगे, बाकी सफाई वाले, वो सारा एक कंप्लीट सिस्टम होगा। सिक्योरिटी वाले होंगे, किसी भी किस्म की किसी घर में कोई प्रॉब्लम आती है वो उसी वक्त पूरी कम्युनिटी को वो मतलब मैनेज करेगी। एक और जो मेजर फर्क उस इन घरों का दूसरे घरों के साथ है वो ये है कि हम इसके अंदर ऑप्शनल दे रहे हैं कि आप अपने घर को, आपके घर को हम इंसुलेट करेंगे और डबल ग्लेज विंडोज लगाएंगे उसके अंदर। इंसुलेशन अगर घर की हुई हो, उसकी छत और उसकी जो आउटर वॉल्स है वो अगर इंसुलेटेड हो और उसमें डबल ग्लेज विंडो लगी हो, तो आपके घर का टेम्परेचर आपके कंट्रोल में होता है। एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी दोनों सूरतों में आपके इंटरनल टेम्परेचर जो घर का है वो आपके कंट्रोल में होता है। उसकी वजह से आपकी जो बिजली की रिकरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, आपका बिजली का बिल कंट्रोल हो जाता है। फिर हम इन घरों के ऊपर जो क्लासिक होम्स में क्लासिक अपग्रेड है, उसमें हम तमाम जो घर है उनके ऊपर, छत के ऊपर हम सिटिंग एरिया बना रहे हैं, एक रूफ टॉप गार्डन बना रहे हैं, और उधर एक बारबेक्यू पॉइंट बना रहे हैं। हर जो एक घर होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ। हम इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में ग्राउंड को और फर्स्ट फ्लोर को सिर्फ यूज़ किया जाता है, रूफ बनती है लेकिन उसको यूटिलिटी उसकी नहीं होती। हम रूफ को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि वो भी उतना ही यूज़ हो सके, आपकी सिटिंग प्लेस हो जहाँ पे कि पूरी फैमिली बैठ सके। हम एक कवर्ड रूफ गार्डन बना रहे हैं क्लासिक होम्स के अंदर। से और इसमें एक और भी ऑप्शनल फीचर है, हम प्रीमियम जो इसमें क्लास है उसके अंदर हम सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं घरों के ऊपर। ठीक है, क्लासिक पे नहीं है, हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन करके प्रीमियम अगर लेते हैं तो उसमें हम सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं। सोलर पैनल्स और सोलर पैनल्स जो है ये ऑन ग्रिड सिस्टम पे लगा रहे हैं,
जिसमें ये है कि आप दिन के वक्त जो सोलर पैनल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप अपने घर में भी यूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वापस वापडा को फीड हो जाती है, और जब आप रात को वापडा की एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो उसके साथ बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका कॉस्ट जो है बिजली की जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, इन सारी चीजों, ये जितनी मैंने आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं, इन सारी चीजों की मेंटेनेंस भी हम ही उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब पीपल डोंट हैव टू बी वर्ड कि ये सिस्टम लग जाएगा तो उसको मेंटेन कौन करेगा, गाइड आप कर रहे हैं, चला हम ट्रेनिंग देंगे, हम गाइड करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। वेरी नाइस, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कबल ही आपने रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें आपने उनको एक्सक्लूसिव सेल्स राइट दी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आरबीएस हमने जो अभी यहाँ पे आके बैठे हैं और हमने लोग बहुत डिफरेंट लोगों को देखा है, एंड वी हैव फेल्ट के आरबीएस माशाल्लाह एक बहुत अच्छी कंपनी है एंड दे हैव द कैपेसिटी और उनमें कैपेबिलिटी है और उनके अंदर वो एनर्जी है कि वो अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो और दूसरा उनकी जो बिजनेस एथिक्स हैं वो बाकियों से बहुत अच्छी है, इस वजह से हमने उनको उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी अच्छी बिजनेस एथिक्स के ऊपर वी हैव चोजन देम टू बी आवर एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर। थैंक यू सो मच। ये और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जी, इंशाल्लाह। तो आपको भी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ऑन साइट भी आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और इसी तरीके से हमारी आप हमारे इल्म में इजाफा करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल बी ऑन साइट जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी और हम उसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अपने तमाम कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करेंगे और आप भी। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच।